पहले तो मोड को डिफाइन करना पड़ेगा, तो है ही। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस मोड को डिफाइन करेंगे, एंड मोड पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, जब x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन क्लोज, तो उस केस में पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर 4 प्लस 12, तो यही आ जाएगा, या 1 प्लस 12 सॉरी रूट 13 बाय 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 13 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 13 बाय 2, तो यहाँ पे देख लो ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा अपॉन 2, मींस 2 से बड़ा है, तो वो इसके बीच में आता है, और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग माइनस 1, मतलब ये माइनस टाइम्स आएगा उसका बाद में, तो इसकी वैल्यू माइनस 2 पॉइंट समथिंग आने वाली अपॉन 2, तो माइनस 1 से छोटा, तो ये भी इसमें आ रहा है, तो ये दोनों तो रहेंगे। फिर उसके बाद हम केस 2 की बात करते हैं, उसमें क्या रहेगा, x किसके बीच में आ रहा होगा माइनस 1 टू 1 के बीच में, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है, तो 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन में 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 140, तो 141, तो देख लो इसमें से कौन सी वैल्यू इसके बीच में आती है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 141 x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 141 अपॉन 40 एंड माइनस 1 माइनस रूट 141 अपॉन 40, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, और अपॉन में 14, तो 1 से छोटा है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12 आएगी, और ये 30, तो माइनस 1 से बड़ा आ जाएगा ये, इसका मतलब ये दोनों भी इसमें लाई करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 4, 4 सॉल्यूशन से ये आता है इसके बीच में, और ये भी इसके बीच में आता है, ठीक है, yes. तो ये क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, देख लो। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें वहां पे मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सबसे पहले टारगेट करना होता है, बाद में फिर वो टफ वाले देखेंगे, लेकिन इस बार ये हो गया कि केमिस्ट्री में फिजिकल ज्यादा पूछ लिया था, फिजिकल के रिलेटिवली थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो कैलकुलेटिव थी केमिस्ट्री, तो उस वजह से मैथ्स में टाइम नहीं दे पाए बच्चे, कि मैथ्स तो जनरली लास्ट में ही लेते हैं, नहीं दे पाए, तो इसकी वजह से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे बच्चे मैथ्स के। अब क्या पता उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए वहां पे, अगर ये क्वेश्चन छूट रहा है मतलब वो बहुत बेकार बात है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, और पेपर टफ था, ये क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के क्वेश्चन आसान है, जैसे 19 क्वेश्चन थे टोटल, तो उसमें से 7 क्वेश्चन ईजी थे, 7 से 8 क्वेश्चन जो बन जाते इजीली, बाकी के फिर मॉडरेट टू टफ थे, लेकिन वो टाइम फाउंडेशन में सॉल्व करना वो एक दिक्कत होती है वहां पे, तो इसकी वजह से बच्चों को वो टफ लगा, ठीक है, चलो ये तो होता रहेगा, पेपर तो मैंने ग्रुप पे भेज दिए हैं, देख लेना, बाकी तो हमने जो पढ़ा है उसका कोई और क्वेश्चन तो इसमें नहीं दिख रहा है, देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी रेंज, मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा दे दिया इस बार क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चंस थे ना मैट्रिक्स के, मैंने कल ही डिस्कस किया है मैट्रिक्स एक बैच में,
और मैंने बाद में ये पेपर देखा तो जितने भी क्वेश्चंस थे मैट्रिक्स के उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टच है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही डाटा चेंज कर करके वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितने भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस है। इसकी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक्सरसाइज 3, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके थोड़ा अलग डाटा देके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद तो इसमें तो कोई नहीं, पेपर वन में तो कोई नहीं, दूसरा पेपर टू में सर वो क्वेश्चन टू हाँ पेपर वन का क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेल्थ पेपर टू में ट्वेल्थ नंबर का है क्या सर? पेपर वन में ट्वेल्थ नंबर का नहीं, वो अलग चीज है। उसमें तुम बस उसके रेंज निकाल सकते हो, ठीक है, वो जो गिवन है ना उसके रेंज निकाल सकते हो, बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑन तो वो नहीं बता सकते। तो उसमें चलो तुम डी ऑप्शन बता सकते हो, ठीक है, ट्वेल्थ वाले का। यस सर। बाकी हम ये बेसिकली क्वेश्चन इसका है, फंक्शन का है। पेपर टू में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। बाइनोमियल का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा वहां पे, ठीक है, हम पढ़ रहे टॉपिक उसका एक भी क्वेश्चन नहीं था। जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे उसमें तो मुझे तो नहीं दिखा, ऊपर ऊपर से देखा मैंने, वैसे बाइनोमियल का मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे टाइम पे नहीं आने वाला है, तुम्हारे टाइम पे क्या पता भर भर के क्वेश्चंस रहे बाइनोमियल के, हो सकता है ऐसा, ठीक है। चलो तो एक ही क्वेश्चन था जितना अभी हमने पढ़ा है ना उसमें से एक ही क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री का तो प्योरली कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको मिक्स कर करके दिया गया है, इंटीग्रेशन के साथ हो गया या किसी और चीज के साथ हो गया, ऐसे मिक्स करके दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री को। बाकी ट्वेल्थ के पार्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद फंक्शन, लिमिट का भी इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। लिमिट का जो एलसीडी होता है टॉपिक, इजी वाला टॉपिक होता है और उसमें माना जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी नहीं है, थोड़ा अलग है ये पेपर। इंटीग्रेशन के है भर भर के, एरिया अंडर द कर्व है, मतलब डिफाइनेट इंटीग्रेशन के तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब है 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने काम की चीजें नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा है मैथ्स में तो बस एक ही क्वेश्चन था, बाकी का तो अभी देख ही रहे हम, धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, ठीक है। आगे 11th के पोर्शन के ऊपर कौन क्वेश्चन है पेपर में? पेपर हाँ, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कभी कभी वो टॉपिक 12th में जो पढ़ते हैं वो 11th में होता है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक एनसीईआरटी में 12th में होता है, तो उसकी वजह से भी बोल रहे होंगे कि 11th का वेटेज ज्यादा था या 12th का, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले वो 12th की चीजें ज्यादा है। ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया क्या? थोड़ा बाकी होमवर्क जो दिया था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसको थोड़ा बाकी है। सेक्शन सी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, तो इसमें सी वन कोई डाउट नहीं है C1 में? C2 सेकंड, C2 का फर्स्ट,
सी टू के फर्स्ट में उसकी जनरल टर्म, सी टू के फर्स्ट में उसकी जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म क्या आ जाएगी, आर फ्रॉम जीरो टू एन, या आर फ्रॉम वन टू एन, आर फ्रॉम वन टू एन, आर इंटू एन सी आर ऑन एन सी आर माइनस वन, तो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया ना या किसी पहले वाले पार्ट में आ चुका एक्सरसाइज वन में, आर आर गया फिर उसके बाद वो समेशन सीरीज से आंसर आ जाएगा इसका, एन प्लस वन को एक साथ आर को एक साथ अलग ले लो, दो समेशन में स्प्लिट करो, फिर सी टू का सेकेंड, यस सर, सी टू के सेकेंड में जो एडिशन में पेयर ये दिया हुआ है हर एक टर्म को हम देखते हैं, वो वहां पे कुछ नहीं मतलब वहां पे एन होता है ठीक है, और वैसे स्टार्टिंग में गिवन रहेगा, गिवन है कि C0, C1, Cn are the binomial coefficients of the expansion 1 plus x की पावर n, तो उनके binomial coefficient है तो वो nc0, nc1 है ठीक है, तो यहाँ पे given है हमें nc0 plus nc1, तो इसका जो addition है वो n plus 1 c1 आएगा, फिर उसके बाद nc1 plus nc2, इसका जो addition है n plus 1 c2, और ऐसे ही करते चलेंगे तो फाइनली क्या है एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन, और इसका जो एडिशन आता है एन प्लस वन सी एन, ठीक, बाद में इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो मल्टीप्लीकेशन में इन सबका प्रोडक्ट आएगा एन प्लस वन सी वन, एन प्लस वन सी टू, एन प्लस वन सी थ्री, फाइनली एन प्लस वन सी एन ये आ जाएगा। अब जब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो वहां पे nc0 into nc1 into nc3 up to ncn-1 nc के टर्म्स में दिख रही है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे n plus 1 c1 है, तो हम यहाँ पे n बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, ये n plus 1 बाहर 1 बाहर, तो यहाँ पे nc0 बन जाएगा, सेम चीज यहाँ पे सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते है n plus 1 upon 1 into nc0, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एन सी वन, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन थ्री इंटू एन सी टू, क्लियर, देख लेना बाद में एन प्लस वन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, नीचे वन टू थ्री अप टू एन, एन फैक्टोरियल आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या ये, यस सर। फिर उसके बाद C2 में और कोई डाउट, बन गए ना बाकी सारे, जनरल टर्म लिखनी थी और उससे आ जाते, C3 सर फर्स्ट, C3 का फर्स्ट, C3 के फर्स्ट में दोनों मेथड से कर सकते हैं हम लोग, जो वैसे उसमें देखो R कांस्टेंट है, ऊपर वाली चीज वैरी कर रही है, आर कांस्टेंट है और ऊपर वाली चीज वैरी कर रही है, और क्या है यहां पे एन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस टू सी आर अप टू आर सी आर, ये है। अब ये किसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, इसमें वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर आर, इनके एक्सपांशन में एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट है, ये एन सी आर एन माइनस वन सी आर इनका सम, ठीक है। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वन प्लस एक्स की पावर आर, वन प्लस एक्स की पावर आर प्लस वन डैश 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 अप टू वन प्लस एक्स की पावर एन, लिख सकते हैं। अब ये जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म है वन प्लस एक्स की पावर आर, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं ये बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं,
सोच समझ के नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, एन माइनस आर प्लस वन, बिल्कुल सही। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आ जाएंगे एन माइनस आर प्लस वन है। या तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिख रहे तो एक काम करना, इस पूरे में से वन प्लस एक्स की पावर आर को बाहर ले लो। तो वन प्लस एक्स की पावर आर को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन प्लस एक्स, फाइनली कहां तक, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस आर। तो ये देखो एक्स वन प्लस एक्स की पावर जीरो से एन माइनस आर तक जा रहे, तो जीरो से एन माइनस आर कितना होता है, एन माइनस आर प्लस वन टर्म्स। तो इसका जो सम आएगा वन प्लस एक्स की पावर में एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर अब निकाल लोगे इसको, यस सर। डिनोमिनेटर में एक्स प्रेजेंट है तो ऊपर में एक्स की पावर आर प्लस वन ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद सी थ्री में और कोई डाउट, सी फोर, सी फोर में थर्ड का इवन पार्ट, सी फोर में थर्ड का इवन पार्ट, ठीक है। पहले दोनों क्लियर है ना, डायरेक्टली वो आ जाता है, डिफरेंस कांस्टेंट है, रिजल्ट लिख सकते हो। अब वो बताना भी था मुझे, नेगेटिव अगर आता है तो इसमें प्रूफ से जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई रिजल्ट नहीं है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है ना तो इसमें हमें बाय मेथड प्रूफ ही देखना पड़ेगा इसका। जैसे हमने जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है सारे प्लस में आते थे एक रिजल्ट देखा था, वो इसमें नहीं लग पाएगा। और हाँ, तुम लोग अब ध्यान रखना एचएलपी सॉल्व जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है टफ आ रहा है मैथ्स का, खास करके लगातार तीन साल हो गए, तीसरे साल भी मैथ्स टफ ही है। ऐसा हो ही नहीं रहा है कि मैथ्स इजी आ रहा है। जनरली क्या होता है, अगर दो साल टफ कर दिया तो तीसरे साल इजी कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, उल्टा वो और ज्यादा ही टफ कर रहे हैं पेपर को। तो एचएलपी वगैरह सॉल्व करना, एंड मैथ्स ही तुम्हारा वहां पे डिसाइडिंग रहेगा बढ़िया रैंक के लिए। और केमिस्ट्री फिजिक्स चलो रैंक दे देगा, लेकिन अगर बढ़िया रैंक चाहिए होगी, बढ़िया कॉलेज अगर तुम्हें चाहिए होगा, तो फिर मैथ्स में स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे। और अगर तुमने कर लिया मेरी रैंक बढ़िया आ जाएगी, तो इसकी वजह से एचएलपी वगैरह लगाना शुरू कर दो अगर टाइम है तुम्हारे पास तो। इसमें थर्ड में एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो माइनस एन सी वन इंटू एन सी वन एन सी टू टू एन सी टू डैश अप टू एन सी एन इंटू एन सी एन, ये है। तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। ऊपर में एन एन है तो एक एक्सपेंशन किसका देखेंगे, वन माइनस एक्स की पावर एन का, वन माइनस एक्स लेंगे वन प्लस एक्स की जगह पे, ठीक है, वन माइनस एक्स। अल्टरनेट प्लस माइनस अगर होता है तो वन माइनस एक्स की पावर एन, तो इसका एक्सपेंशन है एन सी जीरो माइनस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्लास नोट्स में नहीं लिखवाऊंगा, यही पे बता दे रहा हूं इसको, ठीक है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो क्या होता है लिख लेना। तो इसमें वन माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। एंड डिफरेंस कॉन्स्टेंट जो दूसरा आएगा उसमें एक्स प्लस वन, इसको कुछ मत करना, ये एक्स प्लस वन ही रहने देना, एक्स प्लस वन की पावर है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे चलते जाएंगे एन सी एन, ये आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनली एक्स की पावर एन था, और ये, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो आएगा। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें बस किससे मतलब है, एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो एन सी वन इंटू एन सी वन से मतलब है। तो एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो वो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स की पावर एन का। फिर उसके बाद माइनस अपने आप आ जाएगा, देखो माइनस एन सी वन इंटू एन सी वन,
तो ये भी देखो किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर n का। ऐसे ही बेसिकली ये पूरा क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर n का कोएफिशिएंट है। तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस x की पावर n इनटू 1 प्लस x की पावर n। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर की पावर में n, ठीक है। इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। यहां से बताओ x की सारी पावर्स कैसी आने वाली है इस एक्सपेंशन में, इवन इवन। और अगर हम यहाँ पे n को ऑड लेते हैं तो ये बताओ n को अगर ऑड लेते हैं यहाँ पे x की सारी पावर्स इवन आने वाली है, तो हमें x की पावर n मिल पाएगा क्या, x की ऑड पावर नहीं मिल पाएगी अगर हमने n को ऑड ले लिया तो। देयरफॉर अगर n ऑड रहता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना हो जाएगा, जीरो। रीजन क्या था, हमें x की पावर ऑड चाहिए लेकिन यहाँ पे x की सारी पावर इवन मिलने वाली है, तो इसकी वजह से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n जीरो रहेगा जब n ऑड है। और जब n इवन रहेगा उस केस में इसकी जनरल टर्म ncr माइनस वन की पावर r इंटू x की पावर में 2r। और अब हमें x की पावर n अगर इवन है तो मिलेगी, इसका कोएफिशिएंट हमें मिलेगा x की पावर n का। उसके लिए 2r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए n, तो r इज इक्वल टू n बाई टू। तो जो कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, वो आने वाला है n c n बाई टू इंटू माइनस वन की पावर में n बाई टू। क्लियर? यस सर। क्लियर है ये अब? यस सर। ठीक है तो लिख लो इसको, फिर आज हम डायरेक्टली जब सम कांस्टेंट है उसके क्वेश्चन देखेंगे। ये सब अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। जब अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो वन माइनस एक्स की पावर एन लेना है और यहाँ पे एक्स प्लस वन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ सर, दो टर्म्स थे इसलिए हमने वन प्लस सॉरी वन माइनस एक्स की पावर एन और एक्स प्लस वन की पावर एन, ये दोनों लेने पड़े ना सर? हाँ दो है ना, उसके वजह से दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, वो किसी दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा। फिर उसके बाद पार्ट वन के सेक्शन सी में कोई डाउट अब है ना, ठीक है। पार्ट टू सेक्शन सी, सी वन सी टू सी थ्री सी थ्री सी थ्री में C3 में जब हम देखेंगे 47C4 और फिर उसमें J की वैल्यू ऑफ 1 पुट करते हैं, तो J की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो कितना आ रहा है, 51C3। 2 पुट करते हैं तो मतलब 5 से शुरुआत करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले J की वैल्यू 5, तो 52 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 47C3। फिर 4 पुट करेंगे तो 48C3 42C4। फिर उसके बाद C5 ठीक है, C5 में चाहे S1 S2 S3 निकालने ही पड़ेंगे हमें। ओके निकाल देते हैं,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह कहां से बोल सकते हो? ठीक है, ये चीज हो रही होगी यहाँ पे। पहले S1 देख लो, S1 क्या है, हम इसको समेशन ऑफ J स्क्वायर इनटू 10 C J, J फ्रॉम 1 टू 10। सर वो S3 है सर। हाँ वो S3 ना, अरे मैं लिख रहा हूँ ना, उसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, S1 को J को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है एंड दो समेशन में लिख रहा हूँ। J into 10 C J, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अभी हमें क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, ये S2 है, ठीक है, ये S2 है और ये S3 है, मतलब ये S1 is equal to कौन सा S2, ये S2 है और ये S3 है, ये है। तो यहां से S3 is equal to S1 plus S2, ये आ रहा है कि नहीं? और देख लो उन दोनों का जब हम सम करते हैं तो कितना आ जाता है, उन दोनों का सम करते हैं तो वो 50 into, अब कौन सा स्टेटमेंट से वो निकालने पड़े, इन दोनों में से कोई एक तो गलत है, क्योंकि S1 plus S2 करने पे कितना आ रहा है, 100 into 2 की पावर, मतलब मान लो स्टेटमेंट 2 अगर करेक्ट है, अगर ऐसा होता है तो S1 plus S2 is equal to कितना आ जाएगा, 100 into 2 की पावर 8। तो यहाँ पे इसमें से क्या करेंगे, 25 into 2 की पावर 10 आ जाएगा ये, और वो 55 into 2 की पावर 9 के साथ मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर ये तो नहीं हो पाएगा, ये गया, मतलब दोनों में से कोई एक गलत है, ये हमें पता चल गया। अगर ऐसा हो जाता कि इन दोनों का सम S3 के इक्वल आता तब तो फिर दोनों स्टेटमेंट सही थे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसलिए क्योंकि S1 एंड S2 के हेल्प से हमें S3 मिल रहा था, तब जाके हम बोलते करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अब हमें इंडिविजुअली हर एक को निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ये आ जाता S1 plus S2 का सम S3 के इक्वल आ जाता जो डाटा गिवन है उसके थ्रू, तो दोनों करेक्ट है, फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा तो ये निकाल ही सकते हैं ना हम इजीली। ये जो S2 है इसमें R की जगह पे बस J दे रखा है, इतना डिफरेंस है, J into 10 C J, J वेरी कर रहा है 1 to 10, तो यहाँ पे J into 10 C J कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 बाहर समेशन J from 1 to 9C J minus 1, तो यह आ जाएगा 10 into 2 की पावर 9, इसका मतलब वो स्टेटमेंट 2 करेक्ट फॉल्स है, वो क्लियरली दिखी गया। S2 निकाला हमने, S2 निकालना आसान था, वो 10 into 2 की पावर 9 आ रहा है, लेकिन वो वहां पे दे रखा है 10 into 2 की पावर 8, तो वो स्टेटमेंट गलत है, तो पहला वाला सही होगा, क्योंकि जो हम ऑप्शन देखते हैं उसमें या तो दोनों सही है या एक गलत एक सही है, तो दूसरा वाला अगर गलत हो रहा है तो पहला वाला सही होगा, मीन्स बी ऑप्शन। पार्ट थ्री सेक्शन सी, सी वन। यस सर, यस सर। सी वन में C1, ठीक है, वो AR क्या है हमें पता चल गया, AR is equal to है NCR, जो starting में given था 1 plus x की power n, तो expansion इस form में given है ना, तो AR NCR है। फिर उसके बाद वो BR is equal to कितना है, 1 plus NCR upon NC R minus 1, इसका मतलब ये 1 plus n minus r plus 1 upon r, तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो n plus 1 upon r आएगा br, ठीक है। अब उसके yes. बाद हमें वहां पे पाई r from 1 to n dr है, इसका मतलब r की जगह पे 1 2 3 पुट करते हुए चलना है, उन सबका प्रोडक्ट आएगा, मींस ये b1 into b2 into b3 up to bn,
तो इसका मतलब ये n प्लस वन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, एन अपॉन में ये कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 अप टू n। अब ये देख लो क्लियरली कंपेयर करने के बाद दिख रहा है n की जगह पे हमें 100 पुट करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद C2 है, अच्छा क्वेश्चन है C2। तो देखो वरना इसको लास्ट में ही करते, इसके लास्ट में, ठीक है, बड़ा भी है वो बहुत। C3 यस, C3 में प्रॉपर्टी लगा के वो हो जाता है NCR और नीचे वाला आ जाएगा N प्लस वन CR प्लस वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N प्लस वन अपॉन R प्लस वन इंटू एन सी आर, तो ये कैंसल आउट, इसको ऊपर भेज दो तो ये R प्लस वन अपॉन N प्लस वन का स्क्वायर क्यूब, ठीक है? तो इसमें ये N प्लस वन क्यूब, N प्लस वन का क्यूब तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसको बाहर ले लो। अब समेशन R फ्रॉम 0 टू कितना जा रहा है, N माइनस वन, और यहाँ पे R प्लस वन का क्यूब, तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ R की, R की जब वैल्यूज पुट करते जाओगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू N माइनस वन जब पुट करेंगे तो N क्यूब आ जाएगा, और ये हमें पता है कितना होता है, तो निकाल लेना। Yes, sir. वो लास्ट में गलत हो गया था स्टेप में। फिर उसके बाद C4 C4 कल ही हमने देखा इस तरीके का, ठीक है? C6 तो आसान है ना रे, उसकी जनरल टर्म लिख लेते दिख जाता। वहां पे देखो वो कितना आ जाएगा, R इंटू टू एन सी आर, और R कहां से कहां वेरी करेगा, टू एन सी आर दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर है उसका, और R कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 to 2n, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम R हटाने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, R इंटू टू एन बाय आर, टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन टू एन सी आर, तो R R गया तो यहां से 2n बाहर, ठीक है? और इसका सम तो हम लिख ही सकते, समझ गया सर, है ना, 2n इंटू फोर एन माइनस वन सी 2n, यस सर, वो मिस्टेक समझ गए, माइनस वन। अब उसके बाद वो 18 दिया हुआ है, तो 18 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो n कितना आ जाता है, 9, ठीक है? यस सर। अब वो देखो C2 में वो 404 C4 401, ये हो जो है ना C4 और ये लगभग एक तरीके से सेम ही है, बाहर वाला अंदर वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को देखो, ये जो है इसको हम 4C0 इंटू 404C4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद माइनस 4C1 इंटू 303C4 प्लस 4C2 इंटू कितना आ जाएगा, ये 202C4 माइनस 4C3 इंटू 101C4 आ जाएगा, है ना? अगर इसके आगे लिखने जाते 4C4 तो क्या आ जाता, बताओ क्या आ जाता, बोलो जल्दी, 0C कितना आ जाता, N0 आ जाता। उन्होंने वो नहीं लिखा क्योंकि वो 0C4 डिफाइन नहीं होता, तो इसको रहने दिया, ठीक है? तो ये रहने दो, इतना ही दिया हुआ है। अब अंदर वाले को जब हम देखते तो हमें x की पावर 4 चाहिए होगी, ठीक है? तो किसके एक्सपांशन में चाहिए होगी, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 पहला है 4C0,
फोर सी जीरो इंटू वन प्लस एक्स की पावर फोर जीरो जीरो फोर जीरो फोर। इसमें फिर दूसरे में क्या है फोर सी वन टू वन प्लस एक्स की पावर थ्री जीरो थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद फोर सी टू वन प्लस एक्स की पावर टू जीरो टू माइनस फोर सी थ्री वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन। तो इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फोर चाहिए होगा। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ये क्लियर है ना? कल भी मतलब लास्ट लेक्चर में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन देखा था हमने, जिसमें अंदर वाले को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि फोर 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 आ रहा है, मतलब इसके एक्सपांशन में एक्स की पावर फोर का कोएफिशिएंट, एक्स की पावर फोर का कोएफिशिएंट है वो, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या आ जाता है, वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन को कॉमन ले लो, ठीक है। वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन को कॉमन ले लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, या तो इसमें एक काम करते हैं, कौन सी टर्म मिसिंग है वो बताओ, कौन सी टर्म मिसिंग है इसमें, कॉमन लेने के बजाय इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है ये बताओ। इसको ऐसे अरेंज करते हैं, फोर सी जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन की पावर में फोर, तो हम इसको टी ले लेते हैं, वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन को टी ले लेते हैं। तो ये एक तरीके से आ जाएगा यहाँ पे टी की पावर फोर माइनस फोर सी वन इंटू टी क्यूब प्लस फोर सी टू इंटू टी स्क्वेयर माइनस फोर सी थ्री इंटू टी। अब अगर हमें इसको लिखना होता, ये वन माइनस टी की पावर फोर का एक्सपांशन है, तो कौन सी टर्म मिसिंग है, लेकिन फोर सी फोर वाली, तो फोर सी फोर वाली टर्म मिसिंग है, तो उसको एड कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहां से यहां तक का जो सम है अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, वो वन माइनस टी की पावर फोर, ठीक है, माइनस वन, यह आ जाएगा। अब वो टी क्या था, ये था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फोर, और यह आ जाएगा वन माइनस वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन पावर में फोर माइनस वन। अब इसको एक्सपांड कर दो, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो ये वन वन कैंसल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, वन प्लस एक्स की पावर वन जीरो वन को टी लिया है। अब उसको जब एक्सपांड करेंगे अंदर वाले को, तो वन माइनस वन एन सी जीरो माइनस एन सी जीरो है ना, मतलब उसकी जगह पर वन जीरो वन है। फिर उसके बाद वन जीरो वन सी वन इंटू एक्स माइनस वन जीरो वन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आता चला जाएगा पावर में फोर माइनस वन। तो देखो ये आपस में कैंसल हो, अब इसमें से एक्स बाहर आएगा और वो क्या बन के बाहर आएगा, एक्स की पावर फोर, ठीक है, एक्स की पावर फोर बन के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा रहेगा, माइनस वन सी जीरो वन वन जीरो वन सी वन माइनस वन जीरो वन सी टू इंटू एक्स, ये बचा रहेगा। और हमें इस पूरे में ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फोर चाहिए, तो एक्स की पावर फोर हमें मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है उसमें एक्स की पावर क्या चाहिए होगा, जीरो, क्योंकि एक्स की पावर फोर ऑलरेडी मिल चुका है, तो बचे हुए में एक्स की पावर जीरो चाहिए। एंड एक्स की पावर जीरो चाहिए मतलब ये फोर हमें पूरा का पूरा किसके साथ देना पड़ेगा, इसके साथ, है कि नहीं, ये फोर पूरा जब इसको दे देंगे तभी हमें एक्स की पावर जीरो मिलेगा। मतलब यहाँ पे इसको ऐसे रीड करो, हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स और हमें इनमें बांटना है, और जब बांटेंगे तो वो उसके पावर में चला जाएगा, तो और हमें एक्स की पावर जीरो चाहिए मतलब ये चारों के चारों हमें इसको देने पड़ेंगे, तो इसके पावर में जाने दो फोर को, तो एक्स की पावर जीरो ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वो देखने जाएंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ वन जीरो वन सी वन की पावर में फोर, दैट इज वन जीरो वन की पावर में फोर। थोड़ा था ये बेकार, आंसर आ जाता है इसका वन जीरो वन की पावर में फोर। क्लियर है? यस सर।
जो कल क्वेश्चन हमने देखा था वो यही तक था, उसके बाद वो इजीली सॉल्व हो गया था, यही तक था शायद, लेकिन इसमें आगे हमें जाना पड़ा, ये सब्स्टिट्यूट वगैरह इसको एक्सपांड करना था, वन वन बुझाएंगे फिर उसके बाद अंदर में एक्स आता है तो उसको कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर फोर मिल रहा है तो यहाँ से एक्स की पावर जीरो, हो गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज टू पार्ट वन किया है ना ये सर, पार्ट वन किया है सर, टू और थ्री बाकी, टू और थ्री बाकी है, ठीक है पार्ट वन तो कर लेते हैं जल्दी से। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एस टू, एस टू में क्या है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर देखो वहां पे ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 plus x plus x square into x cube. So finally, 1 plus x square up to x की पावर में कितना है 100, ठीक है, और इनके मल्टीप्लीकेशन में हमें x की हाईएस्ट पावर चाहिए और वहां पे वो गिवन है, बस वो वेरीफाई करना है सही है गलत, तो हम ये बोलेंगे कि x की हाईएस्ट पावर चाहिए, तो यहाँ से भी हाईएस्ट, इन सब में से हाईएस्ट पावर आनी चाहिए एंड वो मल्टीप्लाई होके फिर हमें x की हाईएस्ट पावर मिलेगी, तो यहाँ से x की पावर 1, x की पावर 2, x क्यूब एंड फाइनली x की पावर 100, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, तो ये 100 इंटू 101 अपॉन 2, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 5050, तो वो गलत है इसको, क्लियर। बहुत सारे टर्म्स आएंगे मल्टीप्लीकेशन में लेकिन हमें हाईएस्ट पावर से मतलब है, तो हर एक टर्म में से हाईएस्ट पावर कंसिडर करनी पड़ेगी तब जाके वो मल्टीप्लाई होके हमें एक्स की पावर हाईएस्ट दे देंगे, तो 5050 आ जाती है। फिर उसके बाद थर्ड में देखो वो 14641 क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे, एंड 1331 पावर 4 और पावर 3, मतलब वो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 4C0 इंटू NCR, यहाँ पे 4C1 इंटू N प्लस 1CR प्लस 1, सॉरी NCR प्लस 1, ऐसे ही 4C2 इंटू NCR प्लस 2, 4C3 इंटू NCR प्लस 3 एंड 4C4 इंटू NCR प्लस 4, ठीक है। अब बस मैं न्यूमरेटर को बता देता हूँ, डिनोमिनेटर ऐसी तरीके से आ जाएगा, वहां पे वो 1331 उनको लेना है 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लीकेशन में है और उनमें डिफरेंस कांस्टेंट है, देखो आर 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 का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये कितना आ जाएगा एन प्लस फोर, बड़ा वाला नंबर एन के साथ आ रहा है, डिफरेंस आर का है तो एन प्लस फोर सी एन माइनस आर, ये ऊपर वाले की वैल्यू आएगी, ऐसे ही नीचे वाले की जब निकालोगे तो वो आ जाएगी एन प्लस थ्री सी एन माइनस आर, तो देख लेना कैलकुलेट करके रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। फोर फिफ्थ बहुत आसान है बेटा, इसमें समेशन m फ्रॉम 0 टू 100 100 सी एम, ठीक है, वो x माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए t ले लो, x माइनस 3 को t ले लेंगे तो दिख रहा होगा ना एनसीआर इसकी पावर में n माइनस आर इंटू इसकी पावर में आर,
तो ये बेसिकली किसका एक्सपांशन है, टी प्लस टू की पावर 100 का एक्सपांशन है क्या? एंड ये टी कितना था, एक्स माइनस थ्री था, तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वन की पावर 100 मिलेगा, और इसमें चाहिए था एक्स की पावर 52 का कोएफिशिएंट, वो निकाल लेंगे अब, ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद सिक्स, सेवन, हाँ ठीक है, सेवन तो वो जबरदस्त मतलब बड़ा हो जाता है, वो लिखने जब जाएंगे ना तो बहुत बड़ा दिखता है सर, वैसे उसका जीरो आने वाला है लास्ट में, देखते इसके। फिर उसके बाद एट, एट में जीपी बनती है, क्वेश्चन दिख रही है क्या जीपी बनती हुई? यस सर। तो जीपी बन जाएगी, उस जीपी का सम निकालना है, और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। यस सर। तो उस जीपी का जो सम है वो आ जाता है, उसमें फर्स्ट टर्म है वन एक्स प्लस थ्री की पावर में एन, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कॉमन रेशियो कितना है वहां पे, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जब हम देखते हैं एक्स प्लस थ्री की पावर एन से फाइनली जब जा रहे हैं, एक्स प्लस थ्री की पावर जीरो दिख रही है, एंड स्टार्टिंग वाले टर्म में एक्स प्लस टू की पावर एन से लेके सॉरी जीरो से लेके एक्स प्लस टू की पावर एन तक, मतलब एन प्लस वन टर्म्स है, माइनस कितना वन अपॉन यहाँ पे एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन, तो सिंप्लीफाई कर लेना आ जाएगा रिजल्ट इसका, ठीक है? यस। नाइन, नाइन तब बन जाएगा वो माइनस वाले से, जैसे मैंने बताया था कि क्या देखेंगे, एक तो वन माइनस एक्स की पावर टेन और एक एक्स प्लस वन की पावर टेन, तो उसके थ्रू ये आ जाता है। फिर टेन, टेंथ में अनुष्का इसको ऐसे लिखो, समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन है ना, तो ये आर इंटू एन सी आर इंटू एन सी आर प्लस समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन एन सी आर इंटू एन सी आर, तो ये देख लो, ये एन सी जीरो का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर चलता जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर है टू एन सी एन, इसमें पहले इस आर को हटाएंगे तो यह आ जाएगा n into summation r from 0 to n n minus 1 cr minus 1, और इसका जब सम निकालेंगे 2n minus 1 cn minus 1 into n, ठीक है? Yes sir। फिर 11, 11 बन गया? Yes sir। 12, 13, 12 तो आसान है ना, इसकी जनरल टर्म 3, 8, 13 की जनरल टर्म नहीं आ रही है क्या? अच्छा 11, ओके एक मिनट अभी 12 बताने दो, यहाँ पे 12th में ये 3, 8, 13, 18, ये 80 है, इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं, n प्लस वन एट टर्म निकाल लेते हैं ना, n प्लस वन टर्म तक जाना है, तो n प्लस वन एट टर्म कितनी आ जाएगी इसकी, इंटू फाइव, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 5n प्लस 3, ठीक है? तो इसका मतलब अगर इसकी जनरल पूरे की जनरल टर्म लिखते तो क्या आ जाएगा, समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन, ठीक है, आर फ्रॉम जीरो टू एन, देख लो एन प्लस वन टर्म से, और वो कितना आ जाएगा, फाइव आर प्लस थ्री इंटू एन सी आर इंटू माइनस वन की पावर में आर, तो दो समेशन में स्प्लिट कर लो, एक बार वो आर के साथ एक थ्री के साथ, ठीक है, कर लोगे इसको? यस सर। यस सर। और जीरो आ जाता है,
क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस और सारे टर्म्स मिलते हैं तो जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद 13, ठीक है, 11 देख लो यहाँ पे, 11th में हमें गिवन है an is equal to summation of 1 upon ncr, इसका मतलब 1 upon nc0 1 upon nc1 ऐसे, फाइनली 1 upon ncn ये गिवन है। अब हमें इसको n के टर्म्स में बताना है जो गिवन है। मान लो ये bn है, summation r from 0 to n, ठीक है, तो ये n upon ncr minus 2 into r from 0 to n r upon ncr, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये देख लो यहां से n बाहर आ जाएगा तो ये n into an मिलेगा, n बाहर ले लो तो ये n into an आ जाएगा। बस अब बात हमें करनी है इसकी, तो इसमें 2 वैल्यूज पुट करते हुए चलो r की, 0 अपॉन nc0 प्लस 1 अपॉन nc1 प्लस 2 अपॉन nc2 और ऐसे फाइनली क्या आ जाएगा, या तो इसको अलग ही ले लो, इसको सेपरेट करके ले लो, इसको s1 पकड़ लो, इस समेशन को s1, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब S1 को जब हम लिखते हैं R की वैल्यूज पुट करके तो ये आ जाएगा, ये माइनस टू को भूल जाइए, टू इंटू एस वन, तो S1 जब लिखते हैं तो जीरो अपॉन एन सी जीरो प्लस वन अपॉन एन सी वन प्लस टू अपॉन एन सी टू, ऐसे फाइनली एन अपॉन एन सी एन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, ऊपर में अगर कॉन्स्टेंट नंबर आ जाता, हर एक में सेम क्वान्टिटी आ जाती ऊपर में, तो हम इसको an के टर्म्स में लिख सकते थे। तो सेम चीज अगर लानी है तो उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे, तो s1 को इस nc0 की जगह पे क्या हम ncn लिख सकते हैं क्या, बोलो, nc0 की जगह पे ncn प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी जगह पे 1 अपॉन ncn माइनस 1 2 upon ncn minus 2, यहाँ पे second last term भी लिख देते हैं, n minus 1 upon ncn minus 1 n upon ncn, and finally ये कितना n minus 1 upon nc1 और ये n upon nc0। तो इनको जब हम add करते हैं तो add करने पे देखो क्या हो जाएगा, 0 upon ncn n upon ncn, numerator में n आ जाएगा, 1 upon ncn minus 1 n minus 1 upon ncn minus 1, तो 1 है, n minus 1 add हो जाएंगे तो numerator में n आ जाएगा, तो numerator में constant term आ जाएगी n, तो यहाँ पे ये n upon nc0 plus ये और ये जब add होंगे जिनका denominator same था, तो वहां से हमें मिलेगा n upon ncn minus 1 plus, अब ये किसके साथ add हो जाएगा, इसके previous वाले के साथ, तो उसमें भी n ही आएगा ऊपर, ncn minus 2, and finally n upon ncn 0, sorry n upon nc, मैं उल्टा बोल दिया शायद, ये nc 0 मतलब ये वाले ऐड हो रहे, ये वाला इसके साथ, तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से ही करो फिर शुरुआत, ये 1 2 और ये फाइनली n तक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या, 1 upon nc 1 और यहाँ पे n minus 1 upon nc 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर में। तो ये एक तरीके से देखा जाए 2s1 किसके इक्वल आ रहा है, n into an, तो s1 is equal to आ जाएगा n into an upon 2, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो bn कितना आ जाएगा, 0, क्लियर है अब ये, यस सर, थोड़ा सा है अलग है ये, an के टर्म्स में लाना था इसकी वजह से वो हमने ये सोचा कि न्यूमरेटर कैसे सेम किया जाए, तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी तो उसके थ्रू कर दिया। अब उसके बाद कौन सा रह गया, 7,
हाँ बोलो सर। हाँ सर यहाँ पे वो जो आपने लिखा सर ट्वाइस एस वन इक्वल टू सर वो गलत है ना सर, एनसीएन तक थोड़ी जाएगा वो। हाँ वो आधे टर्म्स तक ही जाएगा ना सर। मतलब कहाँ गलत, दिक्कत कहाँ आ रही तुम्हें सर? वो आपने लिखा है सर ट्वाइस एस वन इक्वल टू वो एन एन सी एन वन एन सी जीरो प्लस एन अपॉन एन सी वन, वो एन सी एन तक नहीं जाएगा ना सर, वो आधे टर्म्स तो सेम होगा। अरे ये देखो हमने आधे टर्म दोनों को ऐड करके लिखा है, तो ये वाली क्वांटिटी इसके साथ ऐड हो रही है, डिनोमिनेटर सेम था, फिर उसके बाद ये वाली क्वांटिटी इसके साथ ऐड हो रही है, तो देखो न्यूमरेटर में n बन रहा है, एंड फाइनली जाके कौन सी ये वाली क्वांटिटी किसके साथ ऐड होगी, इसके साथ ऐड होगी, तो मिल रहा है ना n अपॉन n c l। यस सर ठीक है। सेवन सर आंसर जीरो दिया है सर। तो जीरो ही आया ना बी का, ये तो मैंने s1 निकाला, इधर पुट करो ना, सुन रहे हो क्या तुम? यस आवाज कट रही है मेरी, ये देखो ना एस वन की वैल्यू ये आई, यहाँ पे पुट करो ना, bn चाहिए था ना फाइनली हमें। यस सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है सेवन, सेवेंथ में समेशन r फ्रॉम जीरो टू n, ठीक है यहाँ पे दो इसमें स्प्लिट कर लेते इसको, एक तो एन सी आर माइनस वन की पावर r तो है एन सी आर, वो वन अपॉन उसको एक सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है वन अपॉन वो जो अंदर में दिया हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, वो वन प्लस एल एन टेन की पावर एन है ना, उसको टी ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे टी की पावर में एन, ठीक है थोड़ी देर के लिए टी ले लिया उसको, तो टी की पावर में एन, एंड जो दूसरा समेशन आएगा उसमें क्या रहेगा समेशन, वो एल एन टेन बाहर आ जाएगा, समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन आर इंटू तो माइनस वन की पावर आर इंटू एन सी आर इंटू वन अपॉन टी की पावर आर, ये क्लियर है क्या हमने टी की पावर आर या एन आर, वो जो डिनोमिनेटर में वन प्लस एल एन टेन की पावर एन है उसकी जगह पे टी ले लिया ना इसकी जगह पे, और प्रॉपर्टी से वो टेन की पावर में जो एन था वो नीचे भी आ जाएगा, इसकी जगह पे टी ले लिया है, तो ये टी की पावर आर वो टी की पावर आर, अब इसका सम तो अब हमें पता है कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये इसी का तो एक्सपांशन ये रहता है, ठीक है अब वहां पे पहले उस आर को हमें हटाना पड़ेगा, उस आर को हमें हटाना पड़ेगा, तो वो एन इंटू एन माइनस वन से आर माइनस वन से हट जाएगा, तो वहां से एन बाहर, समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन यहाँ पे माइनस वन की पावर आर एन माइनस वन से आर माइनस वन, यहाँ पे वन अपॉन टी की पावर आर, यहाँ पे भी टी की पावर आर माइनस वन ही होना चाहिए था, तब जाके हम इस तरीके से डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, तो एक टी को बाहर ले लेंगे, एक टी को बाहर ले लेंगे, एंड यहाँ पे माइनस वन की पावर में भी अगर आर माइनस वन रहता, मतलब दोनों हर जगह आर माइनस वन होना चाहिए, तब जाके हम इस तरीके से उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आर 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 था, तो ये आ गया, यहाँ पे भी हर जगह यहाँ पे आर माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आर माइनस वन, यहाँ पे भी आर माइनस वन लिख देंगे, तो यहाँ से एक माइनस वन बाहर एन एक टी बाहर, तो माइनस एन इंटू एल एन टेन अपॉन टी, और ये कितना आ जाएगा वन माइनस वन बाई टी की पावर में आर माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है अब इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टी की पावर में एन माइनस वन, एंड यहाँ पे बचा रहेगा वन माइनस वन अपॉन टी माइनस एन इंटू एल एन टेन अपॉन टी,
ठीक है। अब वो n इंटू एल एन टेन कितना आ जाता है, t माइनस वन आ जाता है सर, t इक्वल टू वन प्लस n ln 10 का पावर n भी होगा ना। अरे लॉग की प्रॉपर्टी से उस n को नीचे ले लिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना, ये t माइनस वन, तो t अपॉन t तो माइनस वन है, ये प्लस वन बाई t आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख दिया t माइनस वन, तो देखो सारे कैंसल आउट होके फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, ये क्लियर है क्या? यस सर। तो ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट लिखने आने चाहिए, वरना वो फिर बार बार एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा आने, तो यही वाला डायरेक्टली अगर लिखना है तो यहाँ पे आर 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 तो ठीक जाएगा, इसका एक्सपांशन यहाँ पे भी अगर आर माइनस वन आर माइनस वन आर माइनस वन रहता तो ये लिख सकते थे, और वो करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस वन कॉमन, यहाँ से टी कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पार्ट वन, पार्ट टू पार्ट थ्री नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो टाइम भी हो गया, उसमें केस टू वाले एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं हम जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले में, ठीक है। तो लिखो केस टू में, व्हेन सम ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट, व्हेन सम ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट, केस टू व्हेन सम ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट, व्हेन सम ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट, एक मिनट बस, ठीक है। तो नंबर कौन सा था अगला, एस कौन सा है, 19 20 S 20 20। फाइनल टर्म में जो भी पहले अचीव होगा, अगर एनसीएन पहले अचीव हो रहा है तो फाइनल टर्म में एनसीएन और कुछ आएगा, और अगर एमसी जीरो पहले अचीव हो रहा है तो एमसी जीरो इंटू एनसी समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से फाइनल टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि सारे टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, इसके पहले अब हम नहीं जा सकते इसके इधर, क्योंकि एनसी जीरो आ रहा है, इसके पीछे जाएंगे तो एनसी माइनस वन, तब तो डिफाइन ही नहीं हो गया। और ऐसे लास्ट टर्म को भी ऑब्जर्व करना, सारे टर्म्स अगर आ रहे तभी ये रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या है इसका डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे सम कांस्टेंट आता है, देखो सम कांस्टेंट आ रहा है, तो m प्लस n और सम कितना है r, तो m प्लस n सी आर इसका आंसर है, ठीक है। अगर सम कांस्टेंट आ रहा है तो ये रहेगा, क्लियर। और इसके प्रूफ में वही था, n और m आ रहा है तो पहले n है तो 1 प्लस x की पावर n का एक्सपांशन, यानी ये ध्यान रखना अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस x लेंगे, इतना ध्यान जरूर रखना, यहाँ पे 1 माइनस x लेंगे, ठीक है। और ये आ जाता है यहाँ पे एन सी जीरो, एन सी वन इंटू एक्स, एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर चलता जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस एक्स, अगर सम कांस्टेंट आ रहा है तो 1 प्लस एक्स ही लेंगे, x प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस एक्स की पावर m, तो ये एम सी जीरो प्लस एम सी वन इंटू एक्स, बीच में आ जाएगा एम सी आर माइनस टू एक्स की पावर में r माइनस टू, एम सी आर माइनस वन एक्स की पावर में r माइनस वन, एम सी आर एक्स की पावर में r, तरीके से चलता जाएगा। देखो अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
एंड मल्टीप्लाई करना है और उसमें हमें क्या चाहिए बस अब इसको देखेंगे एन से जीरो इंटू एम सी आर, एन से जीरो इंटू एम सी आर किसका कोएफिशिएंट है कौन सी पावर का एन सी जीरो इंटू एम सी आर अगर करने जाएंगे तो एक्स की कौन सी पावर का कोएफिशिएंट है आर का फिर ये देखो एन सी वन इंटू एक्स एम सी आर माइनस वन इंटू दिस तो एक्स की कौन सी पावर का कोएफिशिएंट आएगा ये आर आर सेम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट आएगा इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हमें क्या ढूंढना है एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट वो ये रहेगा ठीक है तो वन प्लस एक्स की पावर में एम वन प्लस एक्स की पावर में एम तो यहाँ से जब वो ढूंढेंगे तो एम प्लस एन आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर में एम प्लस एन यहाँ से एम प्लस एन सी आर क्लियर है अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे तो ध्यान रखना क्या करना है वन माइनस एक्स ले लेना है और रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो व्हेन सम ऑफ आर इज कांस्टेंट ये भी क्लियर है बोलो यस सर ठीक है जल्दी से लिखो इसको तो ये हो गए दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट अगर आ रहे होंगे तो उसका सम कैसे निकाला जाएगा अब ये अभी हमने क्या देखा सिंगल समेशन देखा है मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन एन सी कितना आ जाएगा यहाँ पे तो इसकी जनरल टर्म आएगी ठीक है तो इसमें एक सिंगल समेशन रहेगा ओके तो अब ऐसा डबल समेशन अगर आता है तो उसको कैसे डील करेंगे वो भी देख लेते हैं जनरली डबल समेशन के क्वेश्चंस आते नहीं है डबल ट्रिपल समेशन लेकिन आ गया अगर मान लो बाय चांस हो भी सकता है कुछ भी हो सकता है तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ये लिख लिया तो चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे डबल समेशन वाले ठीक है सर डबल समेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट ठीक है तो जो तुम्हारा होमवर्क बाकी वो कंप्लीट कर लेना एंड इस वीक में डीपीपी नंबर 15 हो चुकी है शायद डीपीपी नंबर 16 डिस्कस होगी 16 एंड 17 ये डिस्कस होगी ठीक है तो कंप्लीट करके रखना DPP नंबर 16 एंड 17 ओके यस सर ठीक है फिर आज के लिए इतना ही है